हेलो दोस्तों, शमशेरा का पोस्टर लॉन्च होने के बाद ही इसका ट्रेलर भी लॉन्च हो चुका है। जितना खतरनाक इसका टीजर था उतना ही खतरनाक इसका ट्रेलर भी देखा जा रहा है। वेल, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शमशेरा का ट्रेलर देखा और देखने के बाद हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन ये था कि अमेजिंग, लेकिन ट्रेलर पूरा देखने के बाद इसमें बाहुबली जैसी फीलिंग आने लगी। इसमें भी बाप की स्टोरी को बेटा आगे बढ़ाता है, क्योंकि इसमें आपको रणबीर कपूर के डबल रोल देखने को मिल जाएंगे। और ये भी 1871 की स्टोरी होने वाली है, जब अंग्रेजों का राज हुआ करता था और कुछ लोग उनकी गुलामी को ठुकरा कर डकैत बनकर स्वतंत्रता लाना चाहते थे। उस जमाने में शमशेरा नाम का एक था जो हमें अंग्रेजों के खिलाफ लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, उनको लूटता हुआ भी बताया जा रहा है। और इसमें पहली स्टोरी फादर की होगी और बाद में 25 से 30 साल बाद आगे भी बढ़ेगी, यानी उनकी स्टोरी को उनका बेटा आगे बढ़ाएगा। क्योंकि फिल्म पुराने टाइम की दिखाई दे रही है और इसका ट्रेलर भी काफी ओल्ड लुक में दिखाई दे रहा है, जो कि लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा है। वैसे तो फिल्म 2020 में ही आनी थी, पर कोविड के चलते मूवी को डिले करना पड़ा और फाइनली ये मूवी 22 जुलाई को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। इस पूरी मूवी का बजट 150 करोड़ बताया जा रहा है, जो कि बहुत ही सही भी है, क्योंकि इसके अंदर CGI और VFX से पता भी चलता है। क्योंकि इस पूरी मूवी को इन्वेस्ट तो काफी ज्यादा क्योंकि इस पूरी मूवी पर इन्वेस्ट तो काफी ज्यादा किया है। मूवी में संजय दत्त बहुत ही खतरनाक रोल में दिखाई देने वाले हैं और इनके रोल को सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है। वैसे देखा जाए तो मूवी में उनका रोल विलन का तो लग रहा है, पर ये अंग्रेजों के जमाने की फिल्म है, इसलिए सोचा जा रहा है कि वो लास्ट में शमशेरा के साथ हो जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। बाकी ये ट्रेलर फैंस को काफी ज्यादा पसंद आया है। मूवी में वाणी कपूर का रोल अभी तक पूरी तरीके से पता नहीं चला है, पर मूवी देखने के बाद सब कुछ समझ में आ ही जाएगा। तो दोस्तों, आपको इस मूवी का ट्रेलर पसंद आया हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।